तत्सत परब्रह्मणे नमः। आज के अत्यंत ही पवित्र मंगलमय प्रेरणास्पद गुरु गंभीर अवसर पर माँ भारती के चरणों में कोटि से वंदन करता हूं। उसी के पावन गोद में यह धारदार धार की धरती, ये धार जिला शुरू हो गया, ये सबका उद्धार करने वाला ही धार जिला आज एक विशेष भाव में है। यहां पर साक्षात परब्रह्म के अनुग्रह रूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पधारे और उनके लाडले प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज पधारे, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्होंने बहुत सारी बातें बता दी, मेरे लिए बहुत थोड़ा सा मेटीरियल रखा उन्होंने और इन्होंने कह दिया कि आप तो बच्चों के बीच में जाते रहते हैं तो अब इसलिए आप बच्चों की बातें बताइए। मेरे पास में कोई जादू मंत्र होता तो मैं जितने ये बुढ़े बुढ़िया हैं सबको कह देता आप सारे के सारे बालक और बालिकाएं बन जाओ। और ये छोटे छोटे बच्चे बालक और बालिकाएं इनको कहता आप सारे के सारे बुढ़े बन जाओ। और वो तत्व क्या है जो न कभी पैदा होता है न मरता है, न कोई जवान होता है न बुढ़ा होता है कोई ऐसी चीज, उसी को प्रणव कहते हैं, उसी को ओंकार कहते हैं। आज अमेरिका के वैज्ञानिक कह रहे हैं ये जो सूरज की किरणें इन लोगों के ललाट पर गिर रही हैं, जो धूप में बैठे हुए डरना मत, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा कि सूरज की किरणों में से कुछ ध्वनि की तरंगें निकल रही हैं, कान से सुनाई नहीं देती, यंत्रों के द्वारा उसको उन्होंने सीमित किया और उन्होंने कहा इसमें तीन स्वर हैं, एक आ, एक उ और एक म, तीनों को मिला दे तो ओंकार नाद इस सूर्य की किरणों में गूंज रहा है, लगातार सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। हमारी संस्कृति ओंकार मूलक है, आप लोग ओंकार बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे तो अपनी नाभि के ऊपर हाथ रखना, नाभि जानते हैं ना, बच्चा जब माँ के पेट में लड़का या लड़की होता है तो उसको भोजन कहां से मिलता है, वो नाभि से जुड़ा हुआ रहता है, हमारे शरीर का केंद्र है। इसलिए ओंकार नाद आपको बोलना है तो आपकी आवाज नाभि से ऊपर उठनी चाहिए और गले से निकलनी चाहिए। प्रणवानंद जी ठीक बोल रहे होंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बकरियों जैसे बोलेंगे या शेर जैसे बोलेंगे? शेर जैसे, शेरनी जैसे बोलना है, पूरा अंदर सांस भर करके और बोलना है, नाभि से आवाज उठनी चाहिए, गले से निकले और ओंकार नाद है, सूरज को भी पता लग जाएगा कि दत्ती गांव के अंदर ये क्या चल रहा है आज। समझो इस बात को, हमारी संस्कृति क्या है, बकरियों जैसे हम लोग कैसे हो गए हैं। बोलेंगे ओंकार नाद तो शुरू कर, पहले मैं बोलता हूं पीछे पीछे बोलना, नाभि का आकुंचन होना चाहिए, नाभि अंदर जानी चाहिए तब वहां से आवाज ऊपर उठेगी। समझ में आई कि नहीं आता? सावधान, कमर सीधी। जब बुड्ढों को नहीं कह रहा, बड़ों को नहीं कह रहा, मेरे सामने तो बालक और बालिका हैं, इनको अभी मजबूत बनाना है, शेर और शेरनी बनाना है। इसके लिए संत आए और ये संत जी बहुत चालाक भी है, ये मेरे को अब पता लगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, और हम लोग जब वापस बोलते हैं नारायण, आप कहते हैं ओम नमो नारायण है, हम कहते हैं नारायण, इसका मतलब आप भी सन्यासी बन जाओ। ये आशीर्वाद देते हैं, घर में रहते हुए भी सन्यासी बन सकते हैं, घर छोड़ करके भी सन्यासी बन सकते हैं, जब तक ये दोनों सुरक्षित नहीं रहेंगे ये भारतीय संस्कृति बचेगी नहीं। हमारा एक कलेक्टर है वो भी ज्ञानी होना चाहिए, एक एसपी है वह भी ज्ञानी होना चाहिए, एक दुकान चलाने वाला वह भी ज्ञानी, जंगल में रहने वाला है वह भी ज्ञानी होना चाहिए। ये शंकराचार्य जी का संदेश दिया था, इसलिए मेरे पीछे बोला कमर को सीधी रखना। क्यों सीधी रखें? हमारी कमर हम टेढ़ी रखेंगे? ये आपकी कमर है, आपके माता पिता ने, क्योंकि जो ही कमर सीधी होती है वहां से हमारा माइंड उस ऊपर चढ़ना शुरू होता है, एकाग्रता। मन को एकाग्र करना है तो आपको कमर को सीधी रखना पड़ेगा। आप लोग एकाग्रता चाहते हैं ना तो पीछे पीछे बोलना, ओम शुरू करो, ओम
कोई भी कण उठा लीजिए धरती में से, छोटे से छोटा कण उसमें ओंकार नाद गूंज रहा है। एक छोटा सा छोटा एक जीवाणु ले लीजिए, ओंकार नाद गूंज रहा है। सारे ब्रह्मांड में वेद के मंत्र गूंज रहे हैं। हमारी संस्कृति ओंकार मूलक है, वेद मूलक है, चैतन्य मूलक है, आत्म मूलक है। इसको समझने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। दर्शन को ठीक करना है, दृष्टि को ठीक करना है। आज से 1200 वर्ष पहले भारत में सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया था। स्त्रियों के प्रति सही दृष्टि नहीं थी। जो स्त्री जच गई, कापालिक उज्जैन के अंदर थे, शिव शहर में थे, पकड़ करके ले जाते। मैली विद्यावन के पास में थी, संगठित थे, खोपड़ियों की माला पहनते थे, शराब पीते थे, राजा भी उनसे डरता था। यत्र तत्र ऐसा कुचक्र फैला हुआ था, अराजकता जैसी थी। और जिस हिंदुत्व की बात की है आदरणीय प्रणवानंद जी ने, ये तो बड़े अद्भुत संत हैं, ये तो आज क्षेत्र के अंदर घूमे, मुझे बहुत कुछ याद नहीं था। जाकर के वनवासियों गिरिवासियों की झोंपड़ी में जैसे वो रहते वैसे रहे, वैसे उनके साथ में भोजन किया और उनको बताया धर्म किसको कहते हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, शहरों में रहने वाले लोगों से ज्यादा धार्मिक, ज्यादा देशभक्त हमारे यहाँ की ये वनवासी और गिरिवासी हैं। 15 अगस्त की बात है और हॉस्टल के ऊपर झंडा लगा हुआ था और एक गलती के कारण आग लग गई। बहुत सारी लकड़ी का सामान था, सबको धू धू करके जलने लगा। सारे भागे वहां से और एक वनवासी लड़का गया दौड़ता, आग के लपटों के बीच में गया, छत के ऊपर जो तिरंगा झंडा था उसको उठा करके लाया और बच करके आ गया, बिजली की तेजी से गया, वापिस आ गया। इसको कहते हैं देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। इसलिए हमको समझना उस समय कैसी स्थिति थी, भ्रम था। ईश्वर किसको कहते हैं मालूम नहीं। वो कहते हैं गणेश जी बड़े, वो कहते कुमार स्वामी बड़े, वो कहते हैं विष्णु जी बड़े, कोई कहता शिव जी बड़े हैं। 72 मतांतर में हिंदू बंटे हुए थे, जो वेद को मानने वाले वो भी बंटे हुए थे, वेद को नहीं मानने वाले थे उनकी तो बात ही अलग है। ऐसी भीषण परिस्थिति में और उस बालक का जन्म हुआ। 8 वर्ष की आयु में चला वहां से वो पैदल, नंगे पांव, केवल लंगोट लगाए हुए, कोपिन लगाए हुए, माँ की अनुमति को लेकर गुरु के पास में जाऊंगा। आपने सुना आदरणीय प्रणवानंद सरस्वती महाराज से। 4 वर्ष रहकर सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। गुरु ने कहा आप जाओ, तुम बनारस में, वाराणसी में, काशी में जाओ, वहां पर बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे विचार विमर्श करना। और वो गए एक मातृत्व को लेकर, प्यार को लेकर गए, तलवार को लेकर के नहीं गए थे। उनके साथ में कोई रणधुंद भी नहीं बज रही थी, सेना नहीं थी उनके साथ के अंदर। गए विद्वानों को लेकर, वेद के मंत्र बोलते हुए और वेद के मंत्रों से गुंजाते हुए सारे रास्ते को वो गए थे। सारे लोग सुन रहे थे वेद को, माताएं सुन रही थी और तथाकथित जो पिछड़े हुए लोग वो सुन रहे थे। सारे लोग वेद के मंत्र सारी जगह गुंजाते हुए बनारस में पहुंचे और वहां की एक घटना आपको सुनाऊंगा, टाइम थोड़ा है। मेरे को दोबारा बुलाएंगे कि नहीं कभी? अब तो मुझे प्रणवानंद जी ने पकड़ लिया है। उन्होंने कहा महाराज आप वहां मेरे साथ आओ अखाड़े के अंदर, हम इन लोगों के बीच में जाते हैं। क्यों भाई, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे आप लोग, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? भिक्षा देंगे कि नहीं देंगे? क्या देंगे भिक्षा में, क्या देंगे भिक्षा में? अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। हमने छोटी कन्याओं को बैठा कर यहाँ पूजा की है, अभी तो पूरी तैयारी नहीं थी। आपको पता लगता हम पूजा किसको कहते हैं, कन्याओं की पूजा नवरात्रि में क्यों करते हैं? हम तो प्रतिदिन हर बालिका के प्रति, हर मातृ दृष्टि के स्त्री के प्रति माँ की दृष्टि को रखते हैं। इसलिए वहां की घटना आपको मैं बताऊंगा, बनारस की। बनारस पहुंचे थे, प्रातः काल गंगा में स्नान किया और जल लेकर कह रहे थे, और वहां की गलियां बहुत पतली हैं। आप लोग बनारस